रोड में ही पानी आ गया, इधर इधर दोनों जगह पे इतना ज़्यादा पानी जमा है, बीच में रोड उससे नीचे हो गया इसीलिए रोड के अंदर भी पानी घुस गया और मस्त बढ़िया एकदम। ये बहुत व्हाट्सअप, अभी टाइम हो रहा सुबह के 9:30 से 10:30 के आसपास टाइम होगा। आज सुबह जल्दी उठा उसका भी कारण है, कल रात 2:30 बजे इलेक्ट्रिक ऑफिस से लोग आए थे, मतलब टेकिंग से आए थे, वो आके देख के बोल के चले गए कि हमारा जो लाइन है तो बहुत पुराना, क्योंकि इस घर के अंदर सबसे पुराना मीटर वही है, तो उसमें जो कनेक्शन है वो जो वायर लगा हुआ है उस वायर में दिक्कत है, मतलब वायर कहीं कहीं जगह से डैमेज हुआ है, तो वायर जो है पूरा चेंज करना पड़ेगा। और गवर्नमेंटल काम है, मतलब WBSEDCL ऑलमोस्ट गवर्नमेंटल, तो अभी जाना पड़ेगा वहाँ पे एप्लीकेशन देने में, एप्लीकेशन देने के बाद वो प्रोसेस होगा, उसके बाद वो होगा काम, उसके बाद वायर लेके देना पड़ेगा, फिर वो लोग आके सेट करके जाएंगे, तो उसका काम मेरे को लग रहा है कि आज शाम तक हो जाएगा, मतलब शाम तो बच ही जाएगा, उससे पहले होगा नहीं, तो पहले वहाँ पे जाना है, उसके लिए निकलना है, लेकिन 11 बजे से पहले वो ऑफिस खुलेगा। वो ऑफिस मेन है SBI जो है हमारा, SBI के पास में बगल में, उससे पहले मुझे एक बार बाज़ार में बाहर जाना है, वो घूमने लेके आना है खाना खाने के लिए, संडे है ना, घूमने लेके आया, तो वो पहले वाला काम घर वाला काम कर लेता हूँ 11 बजे के अंदर, फिर चलेंगे उधर, उधर वाला काम भी इम्पोर्टेंट है, नहीं तो अगर अगर कारण नहीं आया, फोन में चार्ज बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है, और वेदर आज का सही है, तो धूप बिल्कुल नहीं है ना भी, मतलब धूप है ही नहीं बोल सकते, वेदर काफ़ी मस्त है। बाकी सब बाहर का काम करके वापस आ चुका हूँ मैं गाइस, अभी बस इलेक्ट्रिक ऑफिस चलना है, वहाँ पे कितना टाइम लगेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं, कुछ नहीं पता मुझे, क्योंकि मैं पहली बार जा रहा हूँ, इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिक ऑफिस में एक दो बार शायद गया हूँ, बहुत पहले, वो भी पैसा जमा करने के लिए, जो प्रीपेड जो बिल होता है ना वो, अभी तो वो भी ज़रूरत नहीं होता है क्योंकि ऑनलाइन में हो जाता है काम, है ना, तो बहुत पहले मैं गया था एक दो बार, उसके बाद में मैं कभी नहीं गया, कंप्लेन करने में ही ऑनलाइन में फ़ोन से हो जाता है या फिर वेबसाइट से हो जाता है, तो गया कभी नहीं हूँ, मैं चलेंगे आज पहला एक्सपीरियंस होगा, वो भी हो जाएगा और शायद काम भी आज हो जाए, आज होना ज़रूरी है क्योंकि कल से खरीद नहीं है, 12 घंटे से ज़्यादा होगा, अभी ज़रूरी है, फ़ोन में चार्ज बहुत ही कम है, उधर देखो बाँस इतना सारा क्यों रखा है पता नहीं, शायद उधर भी उस साइड में भी कहीं पे मैं कहीं पे तो कोई गेट जैसा कुछ बनेगा, शायद पैंडल टाइप का कुछ बनेगा, यहाँ पे तो ये गेट खुल ही नहीं था, ये बैठा था ये वाला गेट जब हमारे यहाँ पे मेला हुआ था, वो भी रथ यात्रा का, जिसका 1 महीना कंप्लीट हो गया शायद, लेकिन अभी तक नहीं खुला है गेट। खैर चलो मैं जल्दी निकलता हूँ, 11 बजे तक वहाँ पे पहुँचना है, 10:45 तो यहीं पे बज रहा है, इसके पास में अभी अंदर जाके पता करना पड़ेगा, तू पूरा भी आया हुआ है, उस साइड में भी गेट है, इधर भी गेट है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि कहाँ से जाना है, इधर से ही देखते हैं शुरुआत करते हैं, इधर नहीं हुआ तो उधर होगा। टाइम काफ़ी बढ़िया लगा है, बोलते बोलते कुछ भी रहा है धीरे धीरे, और वहाँ पे कुछ भी करना नहीं पड़ा, बस जाके बोलना पड़ा कि खड़ा हुआ है, और उन्होंने बोल दिया कि एक कार खरीद लो, हम लोग आगे कर देंगे, बस कोई एप्लीकेशन नहीं कुछ बात नहीं, एकदम इजी प्रोसेस। चलो सब लोग साइड से बाईपास ले रहे हैं, हम लोग भी लेते हैं, लेकिन रोड जो है यहाँ पे बहुत ख़राब है, स्लीपर ही बहुत है, कहीं भी गिर सकते हैं अगर कहीं से नहीं चले तो, थोड़ा देख लेना ही हुआ नहीं, असली अग्नि परीक्षा तो अभी बाकी है, यहाँ से नाप लेना पड़ेगा कि कहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है और कितना मीटर माप आ रहा है, क्योंकि दुकान में गए थे तार लेने के लिए, इलेक्ट्रिक ऑफिसर तो बोल दिया कि पूरा कॉइल ले लीजिए वापस रिटर्न कर देंगे, लेकिन दुकान में गए, दुकान में लिया ही नहीं, दुकान में बोल रहे कि ऐसा नहीं होता है, वो लोग हमेशा ऐसे बोलते हैं कि हम लोगों को परवरता नहीं है, मतलब बाद में बेचना वो दिक्कत हो जाता है, तो हम लोगों को नाप दे के लेना पड़ेगा, नहीं तो पूरा कॉइल लेंगे तो रिटर्न नहीं होगा, इस हिसाब से हम नाप देख लेंगे, यहाँ से पोल है, यहाँ से यहाँ आएगा फिर यहाँ जाएगा, 5-10 मीटर एक्स्ट्रा ले लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं है, पहले नाप तो ले लेते हैं, मेरे ख्याल से मुझे देख के तो लग नहीं रहा कि 15-20 मीटर से ज़्यादा होगा ये, फिर भी नाप ले लेते हैं एक बार, सुबुदा जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक नहीं ले सकते, क्योंकि अकेले का नहीं है काम, दोनों का काम है, ये चीज़ है टेप मेरे, तार आ चुका है, बस अभी ये लगने में बाकी है, यहाँ पे लग जाएगा, लेकिन मेन बात है कि अभी जो लगाएंगे वो आया नहीं, अब भी रेडी है बाहर जाने के लिए बिल्कुल, ठीक हो, जिसमें गाड़ी चालू कर दिया, इसमें बंद कर देंगे, रेडी है एकदम जाने के लिए, सुबह आ जाए बस, फिर निकलते हैं हम लोग, थोड़ा सा घूम के आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक ऑफिस से जो लोग आने वाले हैं वो दोपहर से पहले नहीं आएंगे, तब तक हम लोग घूम के 3-4 बार वापस आ जाएंगे, वहाँ से कनेक्शन निधर तक आएगा, यहाँ पे आके अंदर जाएगा, फिर चेंज होगा, लास्ट वाले एरिया पे रामपुरसतपुर का लास्ट है, ये रामपुरसतपुर का लास्ट है, उधर कुड़ीडांगा आता है जहाँ पे मेला होता है, उधर नदी में हम लोग गए थे लास्ट दिन, बहुत ज़्यादा पानी था, बेबी यहाँ पे दौड़ रहे हैं, पैसे ही दौड़ रहे हैं, मतलब उसको बोला कि खाली ग्राउंड में दौड़ो तो वो दौड़ता जा रहा है, तो बहुत खुश है, ग्राउंड में आने के बाद बहुत खुश हो जाता है, सुबह उधर खड़ा हुआ है, हम लोग एक बार चलेंगे चेक करने के लिए, कल तो बहुत ज़्यादा पानी था, आज देखते हैं, यहाँ पे गोल पोस्ट भी है, बेबी झोलो झोलो झोलो, ये देखो बेबी झूल पा रहा है थोड़ा बहुत ही, 4 साल का लड़का ये सब कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा है,
उसके लिए बहुत ही ज़्यादा है ये। चलो बेबी चलो पिपड़े कमरे दे, हमने जाओ नदी देखते हैं। चलो हम लोग नदी को एक बार देख के आते हैं, एग्जामिन करके आते हैं कि कैसा हालत है उधर का। चलो नदी देख घुड़ा दी, चलो चलो गाड़ी जाओ नदी देख घुड़ा दी। हालत कल के मुकाबले भी और भी बेहतर है, रोड में ही पानी आ गया, इधर इधर दोनों जगह पे इतना ज़्यादा पानी जमा है, बीच में रोड उससे नीचे हो गया इसलिए रोड के अंदर भी पानी घुस गया। और मस्त बढ़िया एकदम बाइक का सर्विसिंग, मतलब बाइक का जो वॉश हो रहा है वो भी हो जा रहा है एक साथ में। चलो बेबी ज्वाला नाम बना, चलो सुम्मा चले गए जाओ, सुम्मा पाली गले चले पान है ना बोले जी ज्वाले पान है। देखो चारों तरफ कितना पानी जमा है, कल से ज़्यादा है यहाँ पे, आज कल से थोड़ा सा ज़्यादा पानी का लेवल जो है उठ गया ऊपर। उधर सामने जाके देख भी नहीं सकते, अभी दूर से जितना दिख रहा है बहुत ज़्यादा है पानी, बहुत ही ज़्यादा है। इधर भी देखो कितना पानी जमा है, ये सब चास करने के लिए ज़मीन है, उसके अंदर पूरा पानी घुस गया। देख के लग रहा है कि सुंदरबन जैसा मैनग्रोव जैसा होता है वैसा, पानी के अंदर आधा सब पौधे। चलो हम लोग घूम के चलेंगे, अभी कभी इलेक्ट्रिक ऑफिस से लोग आ जाए पता नहीं। देखो गोद में कैसा घूम रहा है मस्त, और काम चल रहा है अभी आए हुए हैं, लेकिन आज संडे है और गाड़ी कहीं और पे मतलब काम चल रहा है इसीलिए बाइक में आए, दो टेक्नीशियन बाइक में आए और गाड़ी नहीं आए। गाड़ी आज शायद एक ही चलता है संडे के लिए, शायद आधा छुट्टी आधा काम ऐसा चलता है, दो गाड़ी नहीं चलता है आज एक ही, और वो भी कहीं और पे काम करने के लिए, क्योंकि बीच में इतना ज़्यादा पानी हो गया था ना, काम चारों तरफ बाकी। ये तार जो है ये लगेगा उधर ऊपर में वहीं पर कहीं पर, वो मुझे पूरा एग्जैक्ट पता नहीं है, वो जो लगाएंगे उनको पता है वो लगा देंगे। हमारे अभी अंदर वाला काम चल रहा है, फिर ये लगेगा। बेबी को देखो क्या कर रहा है, बेबी आला की साइड में चल, पूरा बिछ गया उधर। अभी मेन काम जो है कनेक्शन करना है, उसके लिए यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर से मेन कनेक्शन है, तो यहाँ से पावर जो है डाउन कर दिया गया, और मैं बैठा हूँ देखने के लिए कि कोई उठा ना देना है ना, उसके लिए ये ग्लास है, इस ग्लास से करना पड़ता है क्योंकि फुल पावर दिया होता है। 11,440 अब 11,000 ऊपर है, 440 नीचे, तो इसके लिए मैं ग्लास पहन रख के मैं बैठा हूँ यहाँ पर निगरानी के लिए, और वो उधर काम कर रहे क्योंकि आज ज़्यादा एम्प्लॉय अवेलेबल नहीं है ना, तो दोनों ही है, दोनों उधर काम कर रहे हैं, मुझे यहीं पे बैठना पड़ रहा है। बैठते हैं जब तक काम ख़त्म ना हो, तब तक ये उठ नहीं सकता, ये साइड में जो लीवर है मेन, ये मेन पावर कनेक्शन का लीवर, ये उठ गया तो करंट सप्लाई है, ये नहीं उठा तो करंट सप्लाई नहीं है। पहले ये ट्रांसफार्मर में बहुत दिक्कत होता था, तो अभी चेंज हो गया था, बीच वाला जो ट्रांसफार्मर मेन है वो मशीन चेंज हो गया, दो तीन दिन चार दिन पहले शायद चेंज था, मैंने शायद बोला भी था बीच में। और उधर मेन काम चल रहा है, देखते हैं इधर से दिखता है कि नहीं, वो देखो आगे काम चल रहा है उधर, उतना देख नहीं पा रहा लेकिन वहाँ पे काम चल रहा है, उसके लिए यहाँ पे बंद है। काम फाइनली बना अपना, मतलब जो भी काम बाकी था तार चेंज करने का, तो वो पूरा हो चुका है, और अभी यहाँ से दिखा भी सकता हूँ मेरे ख्याल से, ये देखो बीच में नया जो तार दो लगा है, जो थोड़ा कार्व किया हुआ है मतलब एकदम स्ट्रेट नहीं है, वो दो तार ही नया नया लगा है। अभी हमारा भी चेंज हो रहा था, सुपुजा का भी थोड़ा चेंज हो गया, मतलब दो कनेक्शन एक साथ ही चेंज हो गया, दोनों में प्रॉब्लम थी, एक में तो पूरा बंद हो गया था और एक में तार का हालत बहुत ख़राब था, बहुत ही नाजुक था, मतलब तार बहुत ख़राब हालत में था, तो उसका भी एक साथ में चेंज हो गया, सही है। नहीं तो क्या बीच में अभी ये चेंज हो रहा था, उसके बाद अगर वो चेंज करने के लिए पहले बाद में बुलाते, बीच में क्या होता कि कभी भी वो भी जा सकता था, तो बेहतर है कि उससे पहले ही मतलब टाइम थक के चेंज हो गया, अभी इसके बाद बरसात के टाइम पर उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए, मतलब कनेक्शन जाना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इस बार जो तार लगाए वो काफ़ी बढ़िया और मतलब काफ़ी सही क्वालिटी का काफ़ी मोटा तार है, तो उसमें कोई दिक्कत बनना तो नहीं चाहिए। अभी देखते हैं, कुछ पता नहीं है, अगर नेचुरल डिज़ास्टर हो तो फिर कुछ नहीं कर सकते है ना, नॉर्मली कुछ होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तार काफ़ी सही है, जो भी लगाने आए थे टेक्नीशियन जो थे उन लोगों ने भी कहा कि ये तार जो है काफ़ी बढ़िया है, और इसमें क्या है कि दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें नॉर्मली दिक्कत कुछ होना नहीं चाहिए, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अभी मेन बात है कि काम हो गया, करंट भी आ गया, बस 24 घंटे के आसपास कुल मिला के करंट नहीं था। कल सुबह को 12 बजे के बाद गया था शायद करंट, 12-1 बजे, आज करंट आते आते 3:30 बज गया, तो 24 घंटे से ज़्यादा ही हो गया, तो 26-27 घंटा हो गया। तो देखो आसमान काफ़ी सही है, बारिश कभी भी हो सकता है, मतलब जब काम चल रहा था ना उसके टाइम भी हल्का हल्का बारिश हो रहा था, उसके बाद से बारिश होना बंद हो गया, अभी बिल्कुल भी नहीं बारिश हो रहा, इधर का आसमान भी काफ़ी सही लग रहा। तो अभी जाना है, जो तार तो हम लोग एक्स्ट्रा लेके आए थे, तो उसको रिटर्न भी करना है, तो उसके काम से भी जाना है। पहले चलता हूँ नीचे, नीचे चल के बैठते हैं, कैफे वैसे खुल गया होगा, 5:30 के आसपास टाइम है, नीचे बैठते हैं बाद में चलेंगे आराम। थोड़ा सा इस कैफे में भी काम हो गया, 7 बजे के आसपास टाइम है, अभी ये भी वापस देने जाना है, ये जो 6 mm वाला तार लेके आए थे ये इसका काम तो हो गया, कितना भी एक्स्ट्रा था वो वापस देना है। और देखो ये गायों को देखो रोड में कैसे मस्त चल रहे हैं, उनका ही रोड है, शाम के बाद से रोड उनका हो जाता है, हमारा नहीं होता, हर जगह पर मतलब जहाँ पे गांव है
शहर के पास में नहीं, जहाँ पे गांव है तो वहाँ पे उनका ही रोड है। ये दुकान अगर खुला होता ना तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, एकदम घर के पास में। खुला नहीं था आज सुबह का तो उधर जाना पड़ा। चलो देख के आते हैं। टाइम हो चुका है अभी 9 बजे के आसपास, बाहर अंदर कैफे बंद, अभी बाहर निकलना है थोड़ा सा। दी बेबी और मम्मी मेम तो पहले से ही है, वो लोग बाहर है। जो मेला चल रहा है ना हमारा उधर, मतलब जियर ग्राउंड के पास में उधर है, तो हम लोग भी थोड़ा सा घूम के आते। मेले में जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं, लेकिन बाहर तो थोड़ा सा घूम के आते। अभी काम वाम हो चुका है, घर में बैठे मज़ा नहीं आ रहा है, तो बाहर घूम के आते। फिर फिलहाल हम तो नहीं हो गए, मिलते हैं।